हेलो हेलो फ्रेंड्स, सभी को मॉर्निंग की प्यारी प्यारी सी राधे, गुड मॉर्निंग। और कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और एसटी मिश्रा पुखराया ब्लॉग्स में आपका बहुत बहुत वेलकम है फ्रेंड्स। और आज का दिन आज बुधवार है। हाँ, आज का दिन है बुधवार, डेट है 26 तारीख। और किस किस के यहाँ पे दिवाली के बाद एक दिन कुछ नहीं हुआ? हमारे यहाँ पे एक दिन कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि फ्रेंड्स जो 25 तारीख थी, 24 को तो दिवाली थी, 25 तारीख को सूर्य ग्रहण मतलब हो गया था, सूर्य ग्रहण था। तो सूर्य ग्रहण में कोई कुछ भी काम नहीं हुए हैं, तो एक दिन तो ऐसे ही चला गया, तो कुछ भी नहीं हुआ था। जो गोवर्धन की पूजा की जाती है वो कुछ भी नहीं हुई थी फ्रेंड्स। तो आज है 26 तारीख, आज हमारे यहाँ पे गोवर्धन पूजा होगी। और कल कितनी है? आज 26 को गोवर्धन पूजा होगी, कल है 27 तारीख। कल हम लोग भैया दूज मनाएंगे। तो आप लोगों के यहाँ क्या दूज मनाई गई है प्लीज बताइएगा। अब तो यहाँ पे कोई आज दूज मना रहा है, कोई कल मना रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा। अब तो हर त्योहार कोई किस दिन, कोई किस दिन, कोई मतलब अब एक दिन कोई क्लियर त्योहार होता ही नहीं है। दीपावली जरूर सभी के साथ एक साथ मनाई गई है, बट यहाँ पे भैया दूज कोई कल मना रहा है, कोई कल मतलब आज मना रहा है। तो हमारे यहाँ पे तो कल ही मनाई जाएगी। और आज जो पूजा होती है वो गोवर्धन महाराज जी की पूजा होती है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं तो नहीं रखती हूँ, मम्मी रखती हैं गाँव में। अगर गई तो आपको दिखाऊंगी किस तरीके से रखती हैं मम्मी। काफी मतलब बनाए जाते हैं, गोवर्धन महाराज बनाए जाते हैं, और उसके साथ सभी मतलब उनका घर टाइप में बनाया जाता है गोबर से ही। और कुछ इंसान बनाए जाते हैं, दरवाजे लगाए जाते हैं, मतलब हर चीज गोबर से बनाई जाती है। अगर मैं गई आज गाँव तो वो मैं आपको दिखाऊंगी, आपके साथ शेयर जरूर करूंगी। सो फ्रेंड्स, मुझे आज हमारे यहाँ पे गोवर्धन जिस दिन पूजा होती है उस दिन या तो कढ़ी बनाते हैं या तो चने की दाल। तो चने की दाल तो मैं नहीं बनाऊंगी क्योंकि मुझे कम पसंद है चने की दाल। तो मैं बनाऊंगी कढ़ी यम्मी यम्मी सी। तो मेरा मन है आलू की कढ़ी खाने का आज, तो मैंने सोचा चलो बना लेते हैं। तो वही अभी हम बनाएंगे, उसके बाद देखते हैं गांव जाएंगे तो आपको दिखाएंगे, आपके साथ शेयर करेंगे। क्योंकि आज की और छुट्टी है, और कल से, हाँ कल की भी है, आज और कल 2 दिन की और छुट्टी है। परसों से इनका भी काम चालू, तहसील का, हैप्पी का भी, स्कूल का, मतलब फिर टाइम नहीं है किसी को कहीं पे जाने का, फिर तो अपने काम में फिर से बिजी रहना है। तो 2 दिन की और छुट्टी मना लेते हैं। और फ्रेंड सीजन चेंज हो रहा है, तो इस वजह से मुझे तो खांसी, जुकाम तो नहीं हुआ है, बट मुझे खांसी सी हो रही है थोड़ी थोड़ी, क्योंकि मिठाई खा के पानी काफी पिया है, तो वही है। और हस्बैंड जी को तो मेरे फीवर आ गया था 2 दिन से, काफी तेज फीवर, दीपावली की रात को फीवर काफी तेज आ गया था। तो अब तो बेटर है, दवा वगैरह ले आए हैं तो अब आराम है। सो फ्रेंड्स बनाएंगे अभी कढ़ी, तो आपके साथ शेयर करेंगे। आज कढ़ी चावल रोटी यही बनेगा। तो किस किस के यहाँ पे गोवर्धन की पूजा की जाती है प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मिलेंगे आपसे थोड़ी देर बाद में। आपको कढ़ी की रेसिपी मैं नहीं दिखाऊंगी, बस बनाती हुई मैं दिखा दूंगी थोड़ा सा कि मैंने बनाई है कढ़ी को। कढ़ी सभी को बनानी आती है, कोई रेसिपी डालने की जरूरत है नहीं फ्रेंड्स। तो आपसे मिलेंगे हम थोड़ी देर बाद में। सो फ्रेंड्स, मैंने सोचा चलो कढ़ी बनाने से पहले मैं ये वाली मिर्च को फ्राई कर लेती हूँ, खाने में काफ़ी अच्छी लगती है मुझे कढ़ी के साथ। और बेसन में मैंने नहीं लपेट के वो किया था, ऐसे ही कर ली थी, तो ऐसे भी खाने में काफ़ी अच्छी लगती है। इसमें नमक डाल के और थोड़ा सा नींबू निचोड़ लो, बड़ा अच्छी लगती है मतलब। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं जब मिर्च को फ्राई कर रही थी तो मुझे इतना डर लग रहा था कहीं ये बम फूट ना जाए मेरे चेहरे पर, मेरा चेहरा पूरा बेकार हो जाए, बड़ा मुझे डर लग रहा था ये वाला काम करने में। फाइनली ये भुन गई तब मुझे राहत मिली। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ कढ़ी, और मैंने 6 कॉक सब दी थी और सभी लोग जानते हैं बनाना भी, तो बस वैसे ही मैंने भी बनाई है, जैसे आप लोग बनाते हो वैसे ही बनाई है। बट मैंने आज आलू की कढ़ी बनाई है। तो यहाँ पे अब मतलब आलू मैंने पहले छौंक दिया था, जब हमारा आलू पक गया था इसके बाद मैंने बेसन और दही को डाला था। तो यहाँ पे मैं चलाती रहूँगी बराबर। सो फ्रेंड्स कढ़ी हमारी बन चुकी थी काफ़ी अच्छी, काफ़ी मतलब देर तक मैंने कढ़ी को खौलाया था, और जितनी देर कढ़ी हमारी पकती है उतना ही उसका स्वाद काफ़ी अच्छा आता है। तो हमें कढ़ी को पकाने का जो काम है वो अच्छे से करना है, काफ़ी देर तक पकाना है। तो बस मुझे यहाँ पे कढ़ी को करना है फ्राई। तो फ्राई करने के लिए मेरा प्याज हो चुका था, मैंने मिर्च भी डाली थी, और थोड़ा से क्या मैंने लाही के दाने डाल दिए थे। और फ्रेंड्स मैंने जो लहसुन होता है, लहसुन के मैंने मतलब लहसुन को मैंने थोड़ा सा पीस के डाल दिया था उसका पेस्ट बना के, तो काफ़ी अच्छा उससे जो कढ़ी का स्वाद है काफ़ी अच्छा लगता है।
है, मुझे मुझे तो काफ़ी अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैंने इसमें लगा दिया है ये तड़का, तो कढ़ी हमारी देखने में कितनी अच्छी लग रही है। मैं अपने मुंह से अपनी बड़ाई कर लेती हूँ, पता नहीं कोई करेगा कि नहीं, तो मैं अपने हाथ मतलब अपने अपनी बड़ाई अपने आप कर लेती हूँ। तो यहाँ पे हमारी कढ़ी है वो लग चुका है उसमें तड़का। तो यहाँ पे अब मैं डाल दूंगी, मैंने धनिया पत्ता काट के रखा हुआ था पहले से, तो यहाँ पे से डाल देंगे। और काफ़ी सच सच बता रही हूँ फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी कढ़ी बनी हुई थी। और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी मम्मी को भी दे दी थी, क्योंकि मैं तो गई नहीं थी गाँव, मैं आपको बताऊँगी किस वजह से नहीं जा पाई थी। तो बने रहिएगा फ्रेंड्स व्लॉग में मेरे। तो यहाँ पे हमारी जो कढ़ी है वो अच्छी से बन चुकी है, कलर भी काफ़ी शानदार वाला आया है, पीला पीला। सो फ्रेंड, इसके बाद यहाँ पे एक कोई मतलब एक बच्चा आया था तो मांग रहा था सभी के घर में, तो मैं उसको बुला रही थी यहाँ पे, आओ बेटा पास में, तो वो आ नहीं रहा था, पता नहीं क्यों छिप रहा है, पता नहीं किससे डर रहा था। तो मैंने इसका डाल दिया, शायद कोई जानने वाला हो तो जान जाए इसको। गाँव तो मैं गई नहीं हूँ, सोचा था आपको गोवर्धन पूजा दिखाऊंगी, लेकिन क्या करें नहीं जा पाई मैं। और ऐसी मजबूरी आ गई क्योंकि फ्रेंड्स इनके कागज रखे हुए थे यहीं पे, तो देने थे उनके वकील साहब, मतलब कोई आने वाला था लेने के लिए, तो कागज वगैरह देने थे हमें, तो मैं नहीं गई इसलिए। और हस्बैंड चले गए गाँव, बोले आपको ये कागज दे देना तो तुम मत जाओ। और हैप्पी चली गई और ये भी चले गए, और जो इनको कागज देना था वो अभी तक नहीं आए। और टाइम 3 बजे का टाइम बता के गए थे और बज चुके हैं 4:45 का टाइम है, अभी भी नहीं आए। और क्या करें फ्रेंड्स, नहीं जा पाए, प्रॉमिस आपको किया था दिखाएंगे बट नहीं दिखा पाए। तो मैं जा रही हूँ अपना शस्त्र उठा के छत को साफ करने। और फ्रेंड्स अभी मैंने दिवाली के टाइम सारी छतें साफ की थी, बट उनका हाल देखें, देखो चल के मैं दिखाऊंगी भी, तो इतना बुरा हो रखा है क्योंकि इतनी मतलब ऊपर धूल मिट्टी आती ही रहती है, इसलिए तो बस उठा लिया है अपना ये शस्त्र, लग जाएंगे अपने काम पे। इसी वजह से शायद मुझे नहीं जाने दिया कि छत पे कौन साफ करेगा, छत तो मैं ही साफ करूंगी, तो अपने काम पे तो रखना है फ्रेंड्स। तो चलते हैं, लगाते हैं इस झाड़ू से अपने छतों के, तो बस मिलेंगे आपसे थोड़ी देर बाद में, क्योंकि प्लान था वो हो गया कैंसिल। थोड़ा सा मेरा मन था आज जाने का, काफी मन था मेरा गाँव जाने का, बट नहीं हुआ मेरा पूरा। चलो कोई नहीं, तो काम अपने निपटा लेते हैं, वैसे भी कल की और छुट्टी है, फिर तो कहीं किसी को नहीं जाना है, सभी को अपने अपने काम पे लगना है। तो चलो फ्रेंड्स चलते हैं, छतें काफ़ी गंदी हो रखी हैं, फिर मुझे चाय भी पीनी है, चाय का मुझे अब नशा होने वाला है क्योंकि अब आ रही है सर्दी, तो बिना चाय का तो मेरा जो दिमाग है अब काम नहीं करने वाला है। तो पहले मैंने सोचा चलो पहले छत वत क्लीन कर लेते हैं, इसके बाद मैं चाय पीऊँगी, तब तक हैप्पी लोग भी आ जाएंगी। तो अकेले कुछ करने में भी अच्छा नहीं लगता कि चाय या पी लो, अकेले तो अच्छा नहीं लगता मुझे, जब तक कोई साथ में ना हो पीने वाला, तो वहाँ पे बातें भी करते जाओ और हंसते भी जाओ, लड़ते भी जाओ, खाते भी जाओ, पीते भी जाओ, तभी अच्छा लगता है, और ऐसे अकेले अकेले नहीं अच्छा लगता है। तो बस फ्रेंड्स मैं चलती हूँ अपनी छतों को साफ करने, नहीं तो वही बार बार कहती रहूँगी, चलती हूँ जानी पाऊँगी बातों के आगे। तो फ्रेंड्स बस आप नहीं करेंगे, चलते हैं। सो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो हमारे जो छतों की हालत है क्या हो गई है, क्योंकि हैप्पी ने पटाखे वगैरह छुटाए थे। हैप्पी ने क्या, सभी लोगों ने छुटाए थे, मैंने भी छुटाए थे, तो हैप्पी का नाम ही क्यों मैं लूँ अकेले, तो सभी लोगों ने छुटाए थे, तो काफ़ी मतलब उसके जो पटाखे के वो होते हैं कागज़ वगैरह, तो पूरे छत में फैले पड़े हैं, तो अच्छा भी नहीं लग रहा था देखने में। तो मैंने सोचा चलो इनको क्लीन कर देती हूँ, कल है भाई दूज तो सभी लोग आएंगे तो अच्छा भी नहीं लगेगा फ्रेंड्स। सो फाइनली फ्रेंड्स हो चुकी है इवनिंग, इवनिंग तो पहले ही हो चुकी थी, अब उससे ज्यादा थोड़ा सा टाइम हो गया है। और यहाँ पे मैं अब दूसरा अपना, हमारे हाथों में बस यही होता है, कहीं झाड़ू कहीं बेलन कहीं कुछ कहीं कुछ, तो बस यही काम है। तो अब मैं जा रही हूँ चाय बनाने, तो ब्लॉग का मैं यहीं पे एंड भी करना चाहती थी। सो फ्रेंड्स वीडियो किसी भी रीजन से थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक करिएगा, चैनल पे जो भी भाई बहन हमारे न्यू आ रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मैंने छत वगैरह सारी क्लीन कर दी है, और यहाँ पे मैं आई थी चाय बनाने, मैंने सोचा चलो थोड़ा सा पहले चाय पी लेते हैं, इसके बाद खाना भी बनाना है, और लाइट भी आ गई है, कपड़ों में इस्त्री भी करना है, बहुत सारे काम अभी बाकी है करने को। तो यहाँ पे मैं वीडियो का एंड कर देती हूँ, तब तक मैं चाय बनाऊंगी, चाय पीऊंगी, उसके बाद मैं कपड़ों में इस्त्री करूंगी, उसके बाद मैं मतलब बर्तन वॉश करूंगी, फिर एक दो वीडियो पे जाऊंगी। ज्यादा मैं मतलब सुबह से जाती हूँ, कहीं किसी के एक दो वीडियो पे पहुंच गई, फिर दोपहर में किसी के पहुंच गई, जल्दी जल्दी नहीं जाती, उससे थोड़ा सा मतलब वॉच भी नहीं कर पाते हैं, जब तक
वॉच ना करो तब तक वीडियो का मजा नहीं आता। मुझे सभी के ब्लॉग देखने में काफी इंजॉय आता है, सभी लोग अपना घर का दिखाते हैं, कोई कुछ दिखा रहा है अपना, कोई कुछ, तो काफी मजा आता है मुझे, इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छे ब्लॉग लगते हैं मुझे देखने में। सो मैं हर किसी के पूरे पूरे फुल वॉच ही करती हूँ ज्यादातर, और अच्छा भी लगता है फ्रेंड्स ब्लॉग देखने में, काफी मजा आता है। सो ब्लॉग का मैं अपने वीडियो का यहीं पे एंड कर देती हूँ, मैं फिर अदरक कूटती हूँ वरना अगर यहाँ पे लग जाऊंगी तो मोबाइल में नहीं हो पाएगा, तो ये काम मैं बाद में कर लूंगी, वीडियो का एंड अभी कर देती हूँ। तो अच्छा नहीं लगता फ्रेंड्स यहाँ पे काम करते रहो, आप लोग बोर हो जाएं, आप लोग जब तक नहीं देखेंगे तो आपको मजा नहीं आएगा, आपको आप मेरी आवाज़ नहीं सुनेंगे तब तक आप भी बोर हो जाएंगे, वरना वीडियो भी नहीं देखा करेंगे मेरे, कहेंगे पता नहीं ऐसे ही है। तो बस यहीं पे मैं एंड कर देती हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो अच्छे ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर।